हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो एग्जैक्टली अभी जो रुचि सोया का प्राइस चल रहा है वो ऑलमोस्ट 754 पे चल रहा है, और अभी 1:33 हो रही हैं, 1:33 हो रही हैं एग्जैक्टली। तो अभी अगर हम देखें तो हाँ, हमारा ये जो एरिया था ये मीन्स रजिस्ट कर रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे इसने एक बार हॉल्ट कर दिया था, हॉल्ट करने के बाद फिर से फॉल दे दिया था। सो एग्जैक्टली आज का पॉइंट जो होगा वो काफ़ी डिसाइसिव रहने वाला है। मे बी अगर ये क्लोजिंग जो है अपनी अगर ऊपर देता है अपर सर्किट में, जो कि इसकी अपर सर्किट है 780 समथिंग की है, 780 समथिंग की है। और यहाँ पे अगर इसकी प्रीवियस कैंडल देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी खासी बुलिश कैंडल यहाँ पे भी, मतलब बुलिश हावी हैं, बायर्स हावी हैं। सो एग्जैक्टली अगर देखते हैं तो यहाँ से इसकी ट्रेंड लाइन जो है, ये जो एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन थी ये एग्जैक्टली यहाँ से ब्रेक हुई है। तो हमें यहाँ पे जो ये सिनेरियो जो दिख रहा है ये वाला, ये काफ़ी सॉलिड मुझे दिख रहा है। और अभी अगर हम देखें सो गाइस, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो अभी जो है ऑलमोस्ट सेलर ज़्यादा हावी हैं एज़ कम्पेयर टू बायर्स के हिसाब से। तो यहाँ पे हमें वीकनेस दिख रही है। और इसके अपर सर्किट की बात करें तो अपर सर्किट 780 का है फ्रेंड्स। सो अगर ये मोस्ट प्रोबेबली 770 समथिंग जाए तो आप इसको बाइंग की साइड ले सकते हैं, और इसका टारगेट आप रख सकते हैं ऑलमोस्ट ये समथिंग आपका टारगेट रहेगा। आप होल्ड ऑन करिएगा क्योंकि होल्ड ऑन में ही प्रॉफिट अच्छा खासा मिलेगा इसमें। सो ये पॉइंट आपका सेलिंग पॉइंट हो जाएगा, जो कि है हमारा 1070 का फ्रेंड्स। सो 1070 का यहाँ पे हमारा सेलिंग का टारगेट हो जाता है, अगर इस पॉइंट पे अगर आज सर अपर सर्किट लगती है तो। सो अपर सर्किट का वेट करते हैं, मे बी या लोअर सर्किट में भी कन्वर्ट हो सकती है। आप ऐसा मत सोचिए। तो इसी वजह से अगर आपको ऊपर के साइड सर्किट लगने का मीन्स कुछ दिखे तब आप इसमें बाइंग करिए, और अगर नीचे की तरफ लग रही है तो अवॉइड करिए इसको, क्योंकि ये अभी उतने सेफर वे में हमें नहीं लग रहा है। ऑल दो यहाँ पे बुलिश कैंडल है, हावी है, बट बियर बुल्स हावी हैं, बट तभी कुछ भी कंक्लूजन अगर हम निकाल रहे हैं तो जो भी देखेंगे तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से देख रहे हैं। और ये एरिया इसको बहुत अच्छे से रजिस्ट कर रहा है, जो येलो वाली लाइन है इसको काटने दीजिए एक बार, या फिर 770 के ऊपर अगर जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर बाइंग की तगड़ी पोजिशन बनेगी। सो ऑल दो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस हमको नहीं दिख रहा है इस एरिया के समथिंग, तो ये वाला एरिया हमारा बन जाएगा टारगेट का, जो 1070 का है। सो आशा करता हूँ वीडियो ये अपडेट आपको पसंद आएगा होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।